अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम फैसल है और आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का पहला ट्यूटोरियल बनाने जा रहे हैं। मैं आप लोगों के लिए बनाने जा रहा हूँ। इसमें हम सीखेंगे बड़े बिगनर लेवल की चीज़ें, सम क्या कैसे करते हैं और सम करने के कौन कौन से तरीके हैं, किसी भी डेटा को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम कैसे ऐड कर सकते हैं। पहला तरीका ये, मेरे पास कुछ डेटा है वीक वाइज, कैटेगरी लेवल पर वीक वाइज कुछ डेटा है मेरे पास। मैं इन्हें क्या करना चाह रहा हूँ कि ऐड करना चाह रहा हूँ कि फ़र्स्ट वीक की टोटल सेल मेरी कितनी हुई है यूनिट्स में, सारी कैटेगरीज़ के मिलाकर फर्स्ट वीक में मेरी टोटल यूनिट्स कितने सेल हुए। और इसी तरह मैं पूरे मंथ में एयर कंडीशनर की सेल भी देखना चाह रहा हूँ, तो कैटेगरी लेवल पर भी मैं टोटल देखना चाह रहा हूँ और मैं वीक लेवल पर भी टोटल देखना चाह रहा हूँ। तो इसके लिए कौन कौन से तरीका कार है। पहला तरीका ये है कि मैं यहाँ पर जाऊँ, जहाँ मैंने सम करना है वहाँ पर रखूँ और मैं होम में जाकर यहाँ पर मेरे पास एक ऑटो सम का ऑप्शन है, मैं वो सम का बटन दबा देता हूँ। तो ये रेंज इसने ख़ुद सेलेक्ट कर ली है D13 से D16 तक। डी ये है और D3 ये बनता है और D16 तक वो ख़ुद बता रहा है। मैं सिंपल एंटर प्रेस करने लगाऊँ तो ये उसने मुझे सम करके बता दिया। अब यही तरीका कार मैं यहाँ पर भी अपनाऊँगा, एंटर, सेम यहाँ पर एंटर, सेम यहाँ पर एंटर, ये मेरे पास वीक लेवल पर आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने एयर कंडीशनर का करना है तो मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं ऑटो सम का ये बटन दबाता हूँ, उसने खुद ही वीक वन से वीक फोर तक खुद सेलेक्ट कर लिया। और ये सारा तरीका कार मैं दोबारा करने जा रहा हूँ, तो इसके लिए मैं कंट्रोल डी का एक बट शॉर्टकट है वो प्रेस कर देता हूँ। ये उसने खुद से सेलेक्ट कर दिया। अब मैं इस सब को जमा करने लगूँ, ये आ गए। ये तो था सिंपल एक तरीका का जो हमने फंक्शन के थ्रू किया, ऑटो सम में जाकर हमने सम का जो फंक्शन है वो प्रेस किया। आपने देखा यहाँ ऑटो सम के अंदर एक उसने जब मैं सम पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ वो कहता है, यहाँ पर अभी शो हुआ आर्ट प्लस इज़ इक्वल टू, तो ये देखिए जी नीचे आर्ट प्लस इज़ इक्वल टू शो हुआ। तो हम देखते हैं कि आर्ट प्लस इज़ इक्वल टू क्या करता है। इस सब चीज़ को मैं यहाँ पर आपसे दोबारा शेयर करता हूँ। यहाँ आते हैं, आर्ट प्लस इज़ इक्वल टू करके देखते हैं। मैंने आर्ट प्लस इज़ इक्वल टू दबाया तो उसने वो सारा खुद कर दिया। यही चीज़ मैंने कंट्रोल डी के थ्रू नीचे भी कर ली। अब ये तो था कि आर प्लस इज इक्वल टू एक पर मैंने किया। अब आर प्लस इज इक्वल टू करने का एक और भी तरीका है। मैं क्या करता हूँ, मैंने इतना सारा सेलेक्ट किया टोटल एरिया जो हम ऐड करना चाह रहे हैं और जहाँ पर मैं इनके आंसर्स चाह रहा हूँ, सम वैल्यू चाह रहा हूँ, वो भी मैंने साथ ही सेलेक्ट कर लिया और एक ही दफ़ा मैंने आर प्लस इज इक्वल टू प्रेस कर दिया, उसने खुद से दे दिया सारा। मैं क्या करता हूँ, मुझे चाहिए जो मैंने ये कैटेगरी लेवल पर इधर किया है वही चीज़ नीचे भी आए, वीक लेवल पर भी मेरे पास टोटल आ जाए। तो मैंने ये सारा एरिया सेलेक्ट किया, वो एरिया भी सेलेक्ट कर लिया जहाँ मैं वीक लेवल पर टोटल चाह रहा हूँ और वो एरिया भी सेलेक्ट किया जहाँ मैं कैटेगरी लेवल पर टोटल चाह रहा हूँ। तो ये सारा मैंने सेलेक्ट करने के बाद सिंपल एक दफ़ा आर्ट इज़ इक्वल टू प्रेस किया तो उसने मुझे हर लेवल पर, वीक लेवल पर और कैटेगरी लेवल पर ख़ुद से सम करके दे दिया। सो सिंपल। मेरे ख्याल में ये चीज़ अगर हम देखें तो हमारे पास कितना सारा डाटा होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, वो हम बड़े इजी तरीके से और बड़े जल्दी विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम इस तरह ऐड कर सकते हैं। तो ये आज हमने सीखा जी सम और आर्ट इज़ इक्वल टू का जो सम और फंक्शन, मतलब फंक्शन और फार्मूला दोनों हमने सीखे। आर्ट इज़ इक्वल टू लगा कर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ हम गए वापस और मैंने ये दोनों डिलीट कर दिए। मैंने क्या किया, इज़ इक्वल टू सम और ये फार्मूला है जो हमने पहले किया वो फंक्शन था। इज़ इक्वल टू सम हम इस तरीके से भी कर सकते हैं और यही फार्मूला हम सिंपल वे में आर्ट इज़ इक्वल टू प्रेस करके भी कर सकते हैं। देखिए मैं आर्ट इज़ इक्वल टू करने लगा हूँ, ये आर्ट इज़ इक्वल टू, उसने वही फार्मूला ऑटोमेटिकली खुद लगा दिया।
आई होप ये शॉर्ट ट्यूटोरियल आपको आप लोगों के लिए बड़ा बेनिफिशियल होगा, ठीक है। आप इसे यूज़ कीजिए और मैं आप लोगों के साथ इस तरह के मज़ीद ट्यूटोरियल भी शेयर करता रहूँगा। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, और ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियो है वो आप लोगों को टाइमली मिलती रहे। थैंक यू सो मच।